नमस्कार मित्रों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण द्वारका वापस लौटे और अपने महल में विश्राम कर रहे थे, तभी उनके पास बलराम जी आए और बोले, कन्हैया मेरे मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, बताइए दाऊ भैया, आप क्या पूछना चाहते हैं? बलराम जी ने कहा, महाभारत के युद्ध में जो भी हुआ, पितामह भीष्म का वध, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन का वध, तो ये सब उचित था, परंतु कन्हैया महादानी कर्ण का ऐसा अंत क्यों? वह एक श्रेष्ठ मित्र, महापराक्रमी और महादानी था, जिसने स्वयं की माता कुंती को अर्जुन के सिवाय किसी अन्य पांडव को नहीं मारने का वचन दिया था। अपने कवच और कुंडल जानबूझकर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को दान में दे दिए। ऐसे महान दानवीर ने किस कर्म का फल भोगा? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनिए दाऊ भैया, वैसे तो दुर्योधन के अधर्म में जिसने भी साथ दिया था वे सभी पाप के भागी बन गए, उनको उनके कर्मों का फल तो मिलना ही था। कर्ण दानवीर होते हुए भी उसको दान से अर्जित पुण्य अंतिम समय पर साथ नहीं दे सके। इसका कारण यह है कि जब महाभारत युद्ध में सात सात महारथियों के सामने अकेले युद्ध करता हुआ महावीर अभिमन्यु युद्ध भूमि में धराशायी हो गया था, जब वह पूरी तरह से घायल मृत्यु के द्वार पर खड़ा था, तब उसने युद्ध भूमि में अपने समीप अंगराज कर्ण से अपनी प्यास बुझाने के लिए याचना की। अभिमन्यु ने याचना इस विश्वास से की थी कि भले ही वह शत्रु पक्ष का है, लेकिन महादानी होने के कारण वह उसकी प्यास को शांत करने के लिए जल अवश्य देगा। लेकिन दाऊ भैया, कर्ण के पास जल होने के बावजूद भी उसने जल इसलिए नहीं दिया कि उसका प्रिय मित्र दुर्योधन नाराज हो जाएगा, और कर्ण ने वह जल अभिमन्यु के सामने रणभूमि में बहा दिया। इस प्रकार महादानी कर्ण जलदान नहीं कर पाया। उसने मृत्यु के द्वार पर खड़े याचक की अवहेलना की थी और युद्ध भूमि में बालक अभिमन्यु को अपने सूखे कंठ से ही प्राण त्यागने पड़े। हे दाऊ भैया, अंगराज कर्ण के पास जल होते हुए भी मृत्यु के द्वार पर खड़े हुए को जल नहीं दिया, इसलिए कर्ण के एकमात्र पाप ने उसके संपूर्ण जीवन में किए हुए दानों से अर्जित पुण्य को नष्ट कर दिया। और काल की गति देखिए, उसी जल के स्रोत से उत्पन्न कीचड़ में कर्ण का पहिया फंस जाता है और महारथी कर्ण के अंत का कारण बन जाता है। इसे मैं स्वयं नहीं रोक सकता था, यही तो कर्मों का फल है दाऊ भैया। तो फिर मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो में आपने जाना कि किसी के साथ किए गए अन्याय का एक ही पल आपके संपूर्ण जीवन की प्रामाणिकता को सुन्न करने हेतु पर्याप्त है। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि सभी को अपने किए कर्मों का फल यही इसी जीवन में तथा इसी पृथ्वी पर अवश्य भोगना पड़ता है। यह हम सभी जानते हैं कि यदि हमें कर्मों के फल का डर ना होता तो आज गंगा के किनारे इतनी दूर इतनी भीड़ नहीं लगी होती। तो फिर मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।